हिंदुस्तान की पहली दुकान। तो दोस्तों जो यहाँ पे ये पुल है, ये भीम पुल है जो कि भीम ने बनाया था पांडव में। उम्मीद नहीं थी कि हम भारत का पहला गांव देख पाएंगे। जय भद्रू विशाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड बद्रीनाथ से। और अभी दिन के बज चुके हैं तो और हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए जा रहे हैं। जहाँ पे हम रुके हो वहाँ पे रूम का भी तेरा पड़ रहा है। वैसे तो करो किसी और ने रखा है लेकिन खाने का भी था तो हमने सोचा इससे अच्छा हम बाहर चले जाते हैं खाना खाने के लिए, अपने पसंद का खा लेंगे। तो अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं हम, और उसके बाद जा रहे हैं आज हम माणा गांव, जो कि भारत का पहले आखिरी गाँव था और अब पहला गाँव है। तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है तो वहीं जाके पता चलेगा। जो जो पता चलेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। तो अभी फिलहाल हम खाना खा रहे हो, खाने में ये यहाँ पे दाल, ये यहाँ पे आलू की साग, आलू का साग, ये यहाँ पे सैलेड और फ्राइज और रोटी। तो अभी हम यहाँ पे लंच करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ से कितना 4 किलोमीटर बद्रीनाथ से दूर। तो अभी बैठ चुके हैं गाड़ी में, तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। यहाँ तक गाड़ी में आया, आगे पैदल है। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ का नाम है सीमांत गांव माणा। तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं। ये बच्चे यहाँ पे पानी में खेल रहे हैं, इनको अलग ही मजा आ रहा है पानी में खेलते हुए। और अभी तो यहाँ का कुछ ऐसा रास्ता है ऊपर जाने का, ये देखो कुछ इस तरीके से। ये स्कार्फ यहाँ पे बच्चों के स्वेटर सूटर मतलब सर्दियों के कपड़े यहाँ जाते क्योंकि यहाँ ठंड रहती है। ये वाली स्वेटर देखो कितनी प्यारी लग रही है, मनीषा देख रही है यहाँ पे। तो अभी हम माणा गांव के रास्ते में लगे हुए हैं। कैसा लग रहा तुझे? हमें उम्मीद नहीं थी कि कभी हम सब उम्मीद नहीं थी कि कब ये छोड़ पैदल तो हम चल रहे, कभी उम्मीद नहीं थी कि हम भारत का पहला गाँव देख पाएंगे, है ना। और आज उम्मीद क्यों नहीं थी लेकिन अभी नहीं थी, अभी नहीं थी। तो वो नगीला देवता की कृपा से आज हम यहाँ भी आ चुके हैं। मैं जा रहे हैं माणा गांव। माणा गांव जो वीडियो मतलब मैं ऐसे मतलब फ़ोन पे देखती थी ना लोगों की, मतलब बहुत ज़्यादा देखी है मैंने ये वाली वीडियो। इस साल तो कुछ ज़्यादा ही, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान वो आज सामने पे देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे ये तो बहुत खुशी हो रही है, हम मतलब घूम पा रहे हैं अच्छे से, पूरा मतलब देख पा रहे हैं नज़ारों यहाँ सामने देख। दोस्तों जो यहाँ पे ये पुल है, ये भीम पुल है जो कि भीम ने बनाया था पांडव में। जब यहाँ से जा रहे थे भीम ने ये यहाँ पे पुल बनाया था। तो यहाँ पे ये हमारे साथ ये बड्डा जी है, तो मतलब ये बता रहे हमको शुभम और बड्डा जी कि यहाँ पे सरस्वती नदी है और यहाँ पे सरस्वती मंदिर है। और जो यहाँ पे ये मंदिर है ना उसी के जस्ट बगल से सरस्वती नदी निकलती है। अभी पता चला भीम पुल ये था कि ये वाला नहीं था, ये वाला था भीम पुल। अच्छा ये वाला है भीम पुल। और यहाँ नीचे इतना खतरनाक दिख रहा है ना। हमें पहले यहाँ जाना है वसुंधरा जलधारा, 5 किलोमीटर है यहाँ से। अब तो अभी आज हमने भीम पुल भी देख लिया। और आपको सबसे बड़ी बात बताते हैं, हम दोनों बहनें नंगे पाँव जा रहे हैं। जिस गाड़ी में हमारी चप्पल थी वो खुद ऊपर आ रखा था यहाँ, और गाड़ी के अंदर लॉक हो रखी थी हमारी चप्पल। गाइस हम पैदल पैदल और नंगे पाँव जा रहे हैं हम। वो सबसे बड़ा टास्क है हमारे लिए पैदल चलना, पैदल तो चल ही रहे नंगे पाँव चलना, तो देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। तो अब इतने से ऊपर नहीं है दुकान, 10-1 ही है भारत की पहली दुकान। और इतने से ऊपर पानी भी नहीं मिलेगा,
तो चाचा जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ मतलब बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होनी थी कि, लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि कौन सी क्या है, इसीलिए मतलब जो जानकार होगा उनको पता होगा किस चीज़ की। हाँ, खुशबू भी यहाँ बहुत अच्छी आ रही है, मतलब यहाँ आके लग रहा है कि स्वर्ग आ गए होंगे। मतलब ऊपर जाके देखते हैं कैसा लगता है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सपना देख रही होंगी। हम नंगे पाँव भी जा रहे हैं लेकिन लग ही नहीं रहा कि नंगे पाँव जा रहे होंगे, क्योंकि मतलब यहाँ का रास्ता ना प्लेन है, मतलब सही है। अभी फिलहाल हम यहाँ से आगे आगे जाने पे लगे हुए और यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। हमारे साथ बड़ा जी थे, वो आगे आगे चले गए थे क्योंकि वो जल्दी जल्दी जा रहे थे। सुबह मैं और मनीषा हम तीनों के तीनों पीछे पीछे जा रहे थे क्योंकि मुझे यहाँ पे तो नहीं लगी थक, लेकिन जैसे जैसे हम आगे आगे जा रहे थे सबसे ज्यादा थक मुझे लग रही थी। और उसके बाद क्या बोलते हैं, वो जो वसुधा है ना, नीचे से जितना पास लग रहा था आगे आगे जाकर उतना ही दूर हो रहा था। तो पता नहीं क्या ही हो रहा था, हम मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमारे साथ कुछ धोखा हो रहा होगा। तो वही जैसे हम आगे आगे जा रहे थे वैसे धारा बहुत दूर दूर हो रहा था। अभी ना यहाँ पे इतने सारे पत्थर है ना, ये पत्थर बहुत अच्छे रहते हैं जैसे घर पर बनाने के लिए, कि हमें इनसे पता चला। ये आगे से मैंने उन्हें चाचा जी बोला, लेकिन बड़ा जी बोलूंगी वैसे, और जो मेरी मम्मी की दीदी है उनके हस्बैंड है वो, तो इसीलिए। तो ये बोल रहे थे जैसे ये पत्थर है ना, अगर हमारे यहाँ की साइड होते तो लोग कब कबल इनको घर बनाने के लिए ले जा लेते, और मतलब ईंट से भी मजबूत रहते हैं इसके घर जो ये पत्थर है। बाकी आप लोग यहाँ का व्यू देख सकते हो, और ये देखो हम नंगे पाँव चल रहे हैं यहाँ पे। अभी हम इतना आगे चल के, और देखने में इतना पास लग रहा है लेकिन बहुत दूर है। थोड़ी उम्मीद बढ़ गई थी, यहाँ पे झरना दिख रहा था लेकिन अब वो झरना भी नहीं दिख रहा है और हमें वहीं जाना है। थक लग गई। वो कहाँ तो अकेले, ये देखो ये भी पहुँच गया और अभी दादी और नीचे आ रही थी। अब जाके हमें ये झरना थोड़ा दिख रहा है लेकिन अभी बहुत दूर है। नीचे से भी कुछ ऐसे दिख रहा था लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे दिखाई। देखो यहाँ पे दादी और भी आ चुके हैं। कंजू आनो गैस बहुत थक लग गई लाने भी चाहिए क्या कुछ नहीं है सेंड बाट पे। सुबह हमको घर के लिए सब्जी मिली है राय, ये देखो यहाँ पे हरी सब्जी मिली इसको। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा थक लग रही है, जाए नहीं जा रहा है, और इससे आगे मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगी। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।